चार के जी निकल रहा है और पर के जी 200 रुपया में बिक रहा है। जल साधन से ये काम चल रहा है और हम लोग अभी 22 गांव 22 यूनिट से के जी दे तो बिक जाएगा। वो भी कितना लोग मांग रहा है लेकिन मेरे पास नहीं है। हम किसको किसको कितना, ये मशरूम किस, ठीक है, ये बेबेस्टिन है ना, ये फफूंदी नाशक दवा है मतलब पाउडर के रूप में। ये क्या करता है, ये जो मेरा पुआल है, गेहूँ का भी पुआल यूज करते हैं और धान का भी पुआल यूज करते हैं, इसे क्या करेगा, इसमें जितने सारे कीटाणु वगैरह होगा वो मर जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मेलिन, ये क्या करता है, ये जो हम कितनों पानी डालेंगे सड़ेगा नहीं, जैसा कलर है वैसा ही रहेगा। इसके लिए 8 से 12 घंटा इसको रखना पड़ता है, ठीक है। रखने के बाद ये मेरा पुआल को छांकने के बाद छांक देंगे उसका, उसका पानी पूरा निकल जाएगा। उसको इतना मतलब मुट्ठी बांधेंगे तो पानी ना गिरे तो जम जाएंगे मेरा पूरा पुआल, तैयार हो गया। उसके बाद ये जो प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक को ये सब बांध देंगे नीचे, फिर पुआल डालेंगे, फिर मशरूम डालेंगे। जैसे धान हम लोग खेती करते हैं धान और गेहूँ का, उसी तरह डालते डालते एक बार डाले, फिर पुआल डाले, फिर मशरूम डाले, फिर पुआल डाले। डालने के बाद ये जब पूरा बेग तैयार हो जाएगा तो हम इसको बांध के और इसको छेद करके कम से कम 50-60 बार छेद करके रख देंगे, क्योंकि जिस तरह हम सांस लेते हैं ये भी सांस लेते हैं। छेद करने के बाद 20 से 25 दिन इसको रख देंगे, ठीक है। रख देने के बाद ये पूरा फंगस ऐसा तैयार हो जाएगा, तैयार होने के बाद ये पूरा जकड़ जाएगा गेंदा का। तब अगर हमको ज़्यादा मात्रा में मशरूम निकालना है तो इसको फाड़ देंगे, प्लास्टिक को हटा देंगे। जैसे ये सब तैयार जो है और तैयार है, थोड़ा धूप के कारण इसका कलर ये हो गया। मशरूम मेरा निकलना स्टार्ट हो गया, ये 2.5 से 3 महीना मशरूम निकलेगा, एक एक बेग